हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। शाहरुख फिल्म के तो सलमान बने रियल लाइफ के डॉन, रुकवाया डॉन 2 का प्रमोशन। कैटरीना का बड़ा कन्फेशन, कहा वो उनकी दुल्हन बनना चाहती हैं जिसका ब्रदर ना हो। What if the guy that I like doesn't have a brother? करीना हुई इनसिक्योर, कहा बॉडीगार्ड में कैटरीना का आइटम नंबर नहीं, सिर्फ 20 सेकंड का है कैमियो। त्रिशाला का क्लैरिफिकेशन, पापा संजय और उनके बीच ऑल इज वेल। और दिखाएंगे आपको बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का बेगम गौरी के साथ क्लासी एंड ग्लैमरस फॉटो शूट। और आज के बुलेटिन की शुरुआत बॉलीवुड की सबसे बड़ी वॉर से, क्योंकि सलमान ने शाहरुख की फिल्म डॉन 2 का प्रमोशन रुकवा दिया है। और ये करके सलमान ने शाहरुख को दिखा दिया है कि चाहे वो डॉन के कितने भी सीक्वल्स क्यों ना बना ले, लेकिन रियल लाइफ के डॉन तो सलमान ही है। बॉडीगार्ड अपने बॉस की जान की हिफाजत करने के लिए होता है, वो हर डॉन से अपने लोगों की जान बचाता है। फिल्मी पर्दे पर फिल्म बॉडीगार्ड में सलमान खान करीना कपूर की कुछ डॉन से जान बचाते नजर आएंगे, लेकिन खबर आई है कि सलमान खान ने फिलहाल डॉन 2 के प्रोमो से व्यूअर्स को दूर कर दिया है। डिटेल में न्यूज कुछ यूं है कि जिस प्रोडक्शन कंपनी ने सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड बनाई है, उसी कंपनी ने शाहरुख की फिल्म डॉन 2 का भी प्रोडक्शन किया है। सलमान की फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है और शाहरुख की डॉन 2 का ऑफिशियल प्रोमो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। सलमान और शाहरुख दोनों की फिल्में एक ही कंपनी की होने की वजह से कंपनी ने सलमान की बॉडीगार्ड में शाहरुख की फिल्म डॉन 2 का प्रोमो भी लगा दिया। यानी जो लोग सलमान की फिल्म देखने जाएंगे, उन्हें शाहरुख की डॉन 2 का प्रोमो भी देखने को मिल जाएगा। सोर्सेस की माने तो सलमान खान को जब किसी ने ये बताया कि उनकी फिल्म के साथ शाहरुख की फिल्म का प्रोमो भी दिखाया जाएगा, अपने दुश्मन की फिल्म का प्रोमो दिखाए जाने की बात से सलमान हो गए नाराज। उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी के लोगों से इस बात की शिकायत की तो कंपनी ने दलील दी कि दोनों ही फिल्में उनकी हैं, इसलिए अपनी एक फिल्म के साथ दूसरी फिल्म का प्रोमो खाना उनका अधिकार है। कंपनी की इस बात से सलमान आ गए अपने असली जिद्दी रंग में। उन्होंने कंपनी के लोगों को धमकाया कि ये सलमान खान की फिल्म है, इसलिए जो वो चाहेंगे वही होगा। सलमान से पंगा कौन ले, इसी बात को सोचकर ही शायद प्रोडक्शन कंपनी ने शाहरुख की डॉन 2 का प्रोमो बॉडीगार्ड से निकाल दिया और उसकी जगह करण जौहर की फिल्म अग्निपथ का प्रोमो डाला गया। सलमान की इस जिद ने शाहरुख को उन पर वार करने का एक और मौका दे दिया है। अब बॉलीवुड का ये डॉन इस बॉडीगार्ड को कैसे सबक सिखाएगा, या फिर बॉडीगार्ड पड़ जाएगा डॉन पर भारी, ये बताएगा बॉक्स ऑफिस रिजल्ट। एक शो में मेरे ब्रदर की दुल्हन को प्रमोट करने गई कैटरीना कैफ से जब ये पूछा गया कि बॉलीवुड में वो किसके ब्रदर की दुल्हन बनना चाहती हैं, वेल इस सवाल का कैटरीना ने जो जवाब दिया उसने बॉलीवुड के गॉसिप बाजार में फिर से एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या वाकई कैटरीना और सलमान का ब्रेकअप हो गया है या नहीं। कैटरीना कैफ और इमरान खान पहुंचे एक कॉमेडी शो में अपनी फिल्म को प्रमोट करने, और यहां कैटरीना ने एक ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर इस बात की तरफ फिर से इशारा हो जाता है कि बॉलीवुड में कैटरीना की चॉइस सलमान नहीं कोई और है। कैटरीना, आप किसके ब्रदर की दुल्हन बनना चाहेंगी? किसकी ब्रदर की दुल्हन? What if the guy that I like doesn't have a brother? अगर आपने कैटरीना का जवाब गौर से नहीं सुना तो एक बार फिर से सुन लीजिए। आप किसके ब्रदर की दुल्हन बनना चाहेंगे? किसके ब्रदर की दुल्हन? What if the guy that I like doesn't have a brother? What if I like a guy who does not have a brother? अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैटरीना की ख्वाहिश किसकी दुल्हन बनने का है। कहते हैं जो ख्यालों में होता है वही जुबान पर भी आता है, और कैटरीना के ख्यालों में जो है उसका ब्रदर है ही नहीं। What if the guy that I like doesn't have a brother? और अब ये तो पूरे जमाने को पता है कि कैटरीना के दो बड़े लव अफेयर्स में किसका भाई है और किसका नहीं। बिल्कुल सही समझे आप, यहाँ कैटरीना का इशारा रणबीर कपूर की तरफ ही है, क्योंकि उनका कोई भाई नहीं है। वैसे इस इवेंट में एक और इंटरेस्टिंग बात भी हुई, और वो ये कि सोहेल खान से जब ये पूछा गया कि कैटरीना उनके शो में आई है और जमाना जानता है कि वो उनके ब्रदर की दुल्हन बनना चाहती है, तो ऐसे में बातें तो बनेंगी ही। आई कैन ओनली से द लाइफ मूव्स ऑन, लाइफ मूव्स ऑन। And हाँ, अगर ये कुछ दो साल पहले होता it would make sense, but now it doesn't make any sense.
जो बात ना कभी सलमान ने कही और जो बात ना कभी कटरीना की जुबान से बाहर निकली, उस बात को बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कल तक कटरीना को अपने ब्रदर की दुल्हन बनाने के ख्वाब देखने वाले सोहेल खान ने बोल दिया है। क्योंकि सोहेल का मानना है कि 2 साल पहले अगर कटरीना उनके शो के सेट पे आती तो शायद तब उनके ब्रदर और कटरीना के रिलेशनशिप को लोग मेरे ब्रदर की दुल्हन के साथ जोड़कर टीज करते। And अगर ये कुछ 2 साल पहले होता, it would make sense, but now it doesn't make any sense. एक तरफ सोहेल का इशारा है कि कटरीना और सलमान में 2 साल पहले ब्रेकअप हो गया है, और दूसरी तरफ कटरीना खुद ये इशारा कर रही है कि जिस लड़के को वो पसंद करती हैं, उनका कोई ब्रदर नहीं है। What if the guy that I like doesn't have a brother? What if the guy that I like doesn't have a brother? मतलब साफ है, सलमान और कटरीना की कहानी सिर्फ फिल्मी पर्दे और लाइमलाइट को ग्रैब करने के लिए चल रही है। असल में तो इस कहानी का दी एंड 2 साल पहले ही हो गया है। शाहरुख खान और गौरी ने रिसेंटली किया एक होम डेकोर ब्रांड के लिए शूट, और हम आपके लिए लेकर आए हैं इस शूट की कुछ खास क्लिम्पसेस। करीना कटरीना से कुछ ज्यादा ही इनसिक्योर हो गई हैं, क्योंकि एक पेपर को दिए इंटरव्यू में करीना ने कहा है कि कटरीना का बॉडीगार्ड में सिर्फ 20 सेकंड का रोल है, कोई आइटम नंबर नहीं। देख रहे हैं आप ये विजुअल्स, कैसे कटरीना घुलने मिलने की कोशिश कर रही हैं करीना के साथ। ये नजारा था लैक्मे इंडिया फैशन वीक के ग्रैंड फिनाले का, जहां करीना को शो स्टॉपर बनी देख देख कर कटरीना तालियों पर तालियां बजा रही हैं, और बाद में करीना के साथ खूब बात करने की कोशिश भी की। यहां तो करीना ने किया कटरीना को उल्लाज, पर दूसरी जगह कह दिया कटरीना के लिए कुछ ऐसा। कटरीना has also recently done an item now. What's your take on that? How do you like it? But she, as far as I know, she hasn't done an item song. Well, it's a guest appearance. It's a small guest appearance in the song, but I think you just wait and see the song to see what is this. जी हाँ, कुछ ऐसा कहा था करीना ने कटरीना के बॉडीगार्ड में किए गए आइटम नंबर के लिए, जहां कटरीना महीनों पहले से अपने इस गाने के बारे में मीडिया में बोलती आ रही हैं, वहीं करीना ने कर दिया इसे खारिज। लेकिन अब आ गया है इस कैट फाइट में एक और अपडेट। करीना ने अब एक कदम आगे जाके कह दिया कि महज 20 सेकंड्स के अपीयरेंस को नहीं कहा जा सकता है एक आइटम नंबर। वैसे तो करीना अपने इस फिल्म को लेकर हैं इतनी ज्यादा पोजेसिव कि जूम को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी करीना ने साफ साफ अपने लीड एक्टर होने की बात जताई थी। देखा आपने, इस सोच के साथ कि कहीं इस फिल्म को लेकर लाइमलाइट छिन न जाए, इसीलिए करीना कह रही हैं कि फिल्म की लीड तो वही है। वैसे कटरीना के 20 सेकंड्स के अपीयरेंस की बात कह के यूं तो करीना ने मीठी छुरी चलाई थी, क्योंकि इतना सब कहने के बाद करीना ने ये जरूर कहा कि कटरीना इज अ लवली गर्ल एंड वी हैव ऑलवेज बीन फ्रेंडली। अब करीना, ये तो पुराना फंडा है, अब ये तो जाहिर सी बात है कि आप खुलेआम कटरीना को बुरा तो नहीं कहेंगी, तो कटरीना के लिए यही टॉन्ट काफी था
कि उनकी मेहनत है सिर्फ 20 सेकंड्स का स्क्रीन प्रेजेंस। नाउ वी वंडर कि जिस तरह से कैटरीना यहाँ आपसे मेल जोल बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, क्या ये सुनने के बाद भी वो ऐसा करना चाहेंगी? अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। वी कॉट देम, वी क्लिक देम एंड वी ब्रिंग ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन फॉर यू। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं फिल्म एजेंट विनोद के सेट पर, यहाँ जहाँ एक सीन में करीना और सैफ दोनों व्हाइट आउटफिट्स में हैं, तो वहीं दूसरे सीन में सैफ ब्लैक आउटफिट में हैं, तो करीना रेड गाउन में, और दोनों फिल्म का एक सीन कर रहे हैं शूट। जरा आप भी देखिए। वेल, यहाँ करीना रेड गाउन में है तो वहीं बिपाशा रेड टी शर्ट में और अपनी बाइक में बैठकर दे रही है पोज। वेल, जॉन तो बिपाशा की लाइफ से दूर चले गए, लेकिन लगता है जॉन अपना एक पैशन बिपाशा पर छोड़कर चले गए हैं, और वो है बाइक चलाना। बिपाशा को बाइक चलाने देते हैं और हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कालकी और अनुराग काश्यप की लेटेस्ट पिक्चर्स, जिसमें वो एक दूसरे के साथ लग रहे हैं काफी खुश। वेल, आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं बी टाउन की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM एंड 10 PM। सोनम कपूर शाहिद कपूर के कपड़ों और स्टाइल से इतनी परेशान हो गई है कि उन्होंने शाहिद का स्टाइलिस्ट ही चेंज करवा लिया। वेल, सोनम ने किसे रखा है शाहिद का नया स्टाइलिस्ट? लेट्स सी इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Sonam has very high fashion standards. She doesn't entertain people whose fashion standards don't match hers. Therefore, you have to dress a certain way and look a certain way and get her approval on it. Fortunately, through the making of this film, I tried to educate myself on that, and I hope that I have her stamp of approval now. Sonam. No, Shahid, you don't have Sonam's approval. Sonam ko nahi pasand aati hai Shahid Kapoor ki dressing style. She finds Shahid's dressing style too casual and oh, not so up to the mark. कभी सोनम को शाहिद के जूते से प्रॉब्लम है तो कभी कपड़ों से। और लगता है सोनम ने अपनी परेशानी का हल ढूंढ ही लिया है, क्योंकि शाहिद बहुत जल्द चेंज करने वाले हैं अपना स्टाइलिस्ट ऑन सोनम्स इंसिस्टेंस। और अब जो डिजाइनर शाहिद के लिए डिजाइन करेंगे वो होंगे कुणाल रावल, हु इज आल्सो अ क्लोज फ्रेंड टू सोनम एंड विल आल्सो डिजाइन फॉर कुणाल कोहली'स नेक्स्ट अनटाइटल्ड फिल्म। वैसे लगता है सोनम ने शाहिद का स्टाइलिस्ट बदलवाकर अपना बदला पूरा कर लिया, क्योंकि सोनम ने रिसेंटली दिए एक इंटरव्यू में कहा था दैट शाहिद उनकी फैशन सेंस का काफी मजाक उड़ाते हैं। ही मेक्स फन ऑफ मी ऑल द टाइम, कि कहता रहता है कि यार तू तो विंटेज है, तू तो यही है, विंटेज बोलता रहता है। आर यू टेलिंग मी आई एम ओल्ड? देखा शाहिद, आपकी इस विंटेज हीरोइन ने आखिरकार आपकी ड्रेसिंग सेंस भी बदलवा ही दी। नाउ वी होप यू गेट सोनम्स अप्रूवल। यस, ही डज, ही डज। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे संजय दत्त और त्रिशाला की लड़ाई में क्या है त्रिशाला का कहना। करीना इमरान स्टार ऑफ फिल्म शॉर्ट टर्म शादी का रियल नेम और फर्स्ट लुक मीडिया में आउट हो गया है, और ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। शॉर्ट टर्म शादी, नाम तो सुना होगा। जी नहीं, ये कोई शाहरुख की फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये है इमरान करीना स्टारर धर्मा प्रोडक्शंस की नेक्स्ट फिल्म का नाम। ऊप्स, वेयर सॉरी, एक्चुअली ये था उस फिल्म का नाम, क्योंकि अब हो गया है इस फिल्म का टाइटल चेंज टू एक मैं और एक तू। दरअसल हुआ यूं कि करण जौहर को नहीं जमा शॉर्ट टर्म शादी टाइटल, एज उनका कहना था कि ये टाइटल फिल्म के लिए सूटेबल नहीं है, इट्स गिविंग द रॉन्ग वाइब अबाउट द फिल्म। इसलिए करण ने फिल्म का टाइटल चेंज करके रख दिया एक मैं और एक तू। और इसी के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं, आ गया है इसी फिल्म का फर्स्ट लुक भी, जहां इमरान और करीना लग रहे हैं बहुत अडोरेबल वेयरिंग दोस बिग फनी जोकर ग्लासेस। दिस फिल्म डेफिनेटली कैप्चर्स द फ्रेशनेस ऑफ अ न्यू हिट जोड़ी इन बी टाउन। वैसे करण काफी एक्साइटेड है टू सी बोथ दीज एक्टर्स टुगेदर, एज उनका मानना है दैट दे लुक सिजलिंग हॉट टुगेदर ऑन द स्क्रीन। वेल करण, वी होप सो टू। वेल, रूमर हैज इट कि शाहरुख खान के लैपटॉप में प्रियंका चोपड़ा का वॉलपेपर है। मोर डिटेल्स ऑन द स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट।
We all know that King Khan, Shah Rukh Khan, is a big family guy. Jahan unki aur Gauri ki love story na sirf hai legendary, but it also stood the test of time. और तो और चाहे शाहरुख कितने भी बिजी हो बट वो हमेशा टाइम निकालते हैं किड्स के लिए। ऐसे में हम अगर पूछें कि क्या लगता है आपको होगा शाहरुख के डेस्कटॉप का वॉलपेपर, तो यू विल थिंक अ हैप्पी फैमिली पोर्ट्रेट। बट रिसेंटली सोर्सेस क्लोज टू शाहरुख हैव रिवील्ड समथिंग एल्स। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्स, शाहरुख की डॉन को स्टार पिगी चॉप्स है उनके डेस्कटॉप का वॉलपेपर। If this rumor is true, then we must say that Gauri is a super cool and very confident wife, or is she being too confident? कल तक खबरें थी कि संजय दत्त और उनकी बेटी त्रिशाला के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। Well, इस खबर पर अब आया है त्रिशाला का जवाब। संजय दत्त की बेटी ने कहा है कि पापा से नहीं है कोई लड़ाई, ऑल इज वेल। हाल ही में खबर आई थी कि संजय दत्त बहुत नाराज हैं त्रिशाला से, क्योंकि त्रिशाला वांट्स टू जॉइन द फिल्म इंडस्ट्री एंड अकॉर्डिंग टू संजय दत्त नो फीमेल्स फ्रॉम द दत्त फैमिली आर अलाउड टू जॉइन द फिल्म इंडस्ट्री। और संजय दत्त ने RGB से कंसल्ट किया था कि किस तरह से वो त्रिशाला को फिल्म इंडस्ट्री से दूर रखें, बिकॉज राम गोपाल वर्मा ऑल्सो केप्ट हिज डॉटर अवे फ्रॉम द इंडस्ट्री। त्रिशाला ने पापा की नाराजगी की बात पर कहा है कि रियली यू थिंक देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन ब्लड, गेट ओवर योरसेल्फ्स, पार्ट ऑफ माय वेट लॉस केम फ्रॉम लाफिंग एट योर हेडलाइंस। चलिए त्रिशाला की माने तो उनके और संजय दत्त के बीच ऑल इज वेल है, लेकिन इस पूरे किस्से से इतना तो साफ है कि संजय दत्त त्रिशाला को बॉलीवुड में डेब्यू करने नहीं देंगे, चाहे इस बात पर त्रिशाला खुश हो या फिर दुखी। प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे जॉन ने क्यों छोड़ दिए 6 करोड़ रुपए। जॉन अब्राहम को एक शादी में नाचने के लिए मिला था 6 करोड़ रुपीस का ऑफर, लेकिन जॉन ने साफ मना कर दिया, कहा चाहे कितने भी पैसे क्यों ना मिले मैं शादी में नहीं नाचूंगा। जहां बिपाशा इन लड़को झटकों से बन गई है लकी, वहीं जॉन नहीं होना चाहते हैं लकी। जी हाँ, खबर है कि जॉन ने कर दिया है रिफ्यूज टू डांस फॉर अ हाई प्रोफाइल दिल्ली वेडिंग वेयर ही वाज बीइंग पेड अ व्हूपिंग 6 करोड़। यानी कि जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड तो अपने ठुमको और सिजलिंग मूव से बनती आई है कई हाई प्रोफाइल वेडिंग्स की शाम। वहीं जॉन नहीं लेना चाहते हैं ऐसा कोई भी स्टेप, नॉट इवन फॉर अ बिग अमाउंट। और ऐसा करने के पीछे है जॉन के रूल्स एंड एथिक्स। जॉन कोट्स, हाउ कैन आई परफॉर्म एंड डांस एट समवनस वेडिंग व्हेन आई डोंट इवन नो दैट पर्सन। आई नो पीपल से दैट जॉन इज स्टूपिड, सो बी इट। वैसे इसके साथ जॉन के और भी कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, जैसे कि नो टू अवार्ड फंक्शंस, नो टू अल्कोहल एंडोर्समेंट्स, नो टू डांस परफॉर्मेंसेस एट वेडिंग फंक्शंस। यानी कि जैसे जॉन की एक्स गर्लफ्रेंड बिपाशा लगाती है झटके और बन जाती है लकी, जॉन प्रेफर्स द अदर वे राउंड। With that, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossips, and scoops only on Planet Bollywood News. Until then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.